शेखावत कॉलोनी निवासी निलंबित महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने की मांग। डीएसपी दफ्तर पहुंचे युवक। चूरू शहर की शेखावत कॉलोनी निवासी निलंबित महिला पुलिसकर्मी लीलावती को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर युवकों ने गुरुवार को डीएसपी दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन दिया। युवकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला पुलिसकर्मी लीलावती आए दिन मोहल्ले के लोगों से झगड़ा करती है, जिसके व्यवहार से लोग परेशान हैं। बुधवार को उसने स्कूटी से जा रहे युवक अकरम की स्कूटी गिरा दी और हाथापाई की। इतना ही नहीं, उसने अकरम का मोबाइल छीनकर ईंटों पर फेंक दिया और जब युवक मोबाइल लेने के लिए गया तो महिला पुलिसकर्मी ने उसके ऊपर ईंट फेंक कर मारी। अकरम के भाई ने बताया कि ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि उसे जल्दी ही गिरफ्तार किया जाए। मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो वो अंदर से दौड़ती हुई आई और गाली गलौज करती हुई आ रही थी और अकरम को आते ही स्कूटी से धक्का देकर गिरा दिया नीचे और उसके बाद में अकरम से मोबाइल छीन के और ईंटों पे फेंक दिया और ईंटों पे फेंकने के बाद इसके पीछे ईंट जब अकरम मोबाइल लाने के लिए ईंटों पे गया था तो ईंट पीछे एक और ईंट उस पे लगाई तो अकरम के पीठ में ईंट की लगी। तो मेरा निवेदन यही है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ये मतलब मोहल्ले में बहुत ज़्यादा अपवाद मचा रखी है। हमारे अकेले के साथ ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में ये मतलब बहुत ज़्यादा अपवाद कर रखी है। आज से मतलब 2 महीने पहले मोहल्ले में हर आदमी से ये ऐसे ही कर रही है। इसका व्यवहार मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो भी मस्जिद के अंदर जाते हैं आते हैं उस पर मतलब जातिवाद का गाली गलौज भी करती रहती है।